हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और लाइव सेशन की क्लास में भी आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़ने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ICDS के हितग्राहियों को स्थूल पोषक तत्व तो मिलते हैं? ICDS के हितग्राहियों को स्थूल पोषक तत्व तो मिलते हैं, ठीक है? आयोडीन नमक के द्वारा, आयरन की गोली के द्वारा, रेडी टू ईट फूड के द्वारा, या फिर ORS के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेडी टू ईट फूड के द्वारा। अब देख लेते हैं कि रेडी टू ईट फूड होता क्या है। तो रेडी टू ईट फूड जो होता है, आपके आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो है सामान्य 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान किया जाता है, ठीक है? और यह सामान्य बच्चों को, सामान्य बच्चे और कुपोषित बच्चे बच्चे ठीक है को टेक होम राशन के रूप में दिया जाता है, ठीक है? तो कितनी इसकी मात्रा कितनी होती है? जो सामान्य बच्चे होते हैं 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को कितने ग्राम का पैकेट दिया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से? तो सामान्य बच्चों को 125 ग्राम पर डे के हिसाब से सप्ताह में छः दिन के लिए दिया जाता है। आगे देखते हैं कुपोषित बच्चों के लिए, जो कि बच्चे कितने से कितने एज के होंगे, आपके 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है? इनको कितना दिया जाता है? तो इन्हें दिया जाता है 200 ग्राम का पैकेट प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है? और सप्ताह में, वीक में 6 दिन, ठीक है, दिया जाता है, ठीक है? एक दिन में 200 ग्राम के हिसाब से दिया जाता है। तो इसका आप 200 का 6 में मल्टीप्लाई करके आप 6 दिन का टोटल जो है निकाल सकते हैं कि कितने ग्राम जो हैं ये फूड दिए जाते हैं, रेडी टू ईट फूड जो है प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक और पैकेट दिया जाता है जो कि आपका होता है 150 ग्राम का पैकेट पर डे के हिसाब से किसे दिया जाता है? तो यह है गर्भवती माताएं और शिशुवती माताओं को दिया जाता है। कितने ग्राम का पैकेट? तो 150 ग्राम का पैकेट पर डे के हिसाब से सप्ताह में 6 दिन। तो इसे भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इसका टोटल, ठीक है? चाहे मंथ का निकाल सकते हैं और चाहे 6 दिन का टोटल ग्राम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है MUAC का पूरा नाम है, MUAC का पूरा नाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। मिड अपर आर्म
सरकॉम्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर जो 4 वर्ष का बच्चा है अक्सर अपनी परछाई देखकर डर जाता है, तो क्या करना चाहिए। आप जनरली देखे होंगे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी परछाई को देख करके डरते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। तो समीर की भी एक कंडीशन यहाँ पे आपको बता दी गई है, कंडीशन दे दी गई है कि समीर जो है 4 वर्ष का बच्चा है अक्सर वह अपनी परछाई को देखकर डर जाता है, तो क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, समूह में बच्चों को खेल गतिविधि करवा कर अन्य बच्चों की परछाई दिखाकर उसका डर जो है निकालना चाहिए, या फिर उस बच्चे के लिए पृथक समूह बनाकर गतिविधि करानी चाहिए, या फिर परछाई से डरना नहीं चाहिए यह बच्चे को समझाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि पिछला सेशन आपने नहीं देखा है उसमें भी मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और थ्योरी सेशन की क्लासेस भी यदि आपने अटेंड नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो वहाँ पर जाकर के आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और आप साथ में पीडीएफ पाने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को बिना बातचीत किए सिखाने का प्रभावी तरीका है अलग अलग हाव भाव के चित्र दिखाकर बच्चों से बिना बोले भिन्न हाव भाव के अभिनय करवाकर, या फिर अलग अलग हाव भाव की कहानियां सुनाकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से व्यवहार के आधार पर 5 वर्ष के बच्चे को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखना होगा। बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता है, बच्चा दोनों पैर एक ही सीढ़ी पर रखकर चढ़ता उतरता है, या फिर बच्चा अपने साथियों तथा बड़ों से चिल्लाकर बात करता है, या फिर बच्चा जो है हर समय घर पर जाने की जिद करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चा दोनों पैर एक ही सीढ़ी पर रखकर चढ़ता और उतरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, रमेश 5 वर्ष की उम्र का एक लड़का है, यदि वह किताब को सीधे पकड़ता है और अक्षरों और अंकों को बाएं से दाएं की ओर पढ़ता है, इसका मतलब है कि वह ध्वनियों को पहचानता है, क्रमबद्धता को समझता है, या फिर मुद्रित अवधारणा को समझता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह जो है मुद्रित अवधारणा को जो है समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा के लिए अनिवार्य है एक अच्छी प्री स्कूल किट, बच्चों के लिए कुर्सी, ड्रेस एवं बैग, एक बड़ा कमरा और खेलने का स्थान, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में शाला पूर्व शिक्षा की समझ की इच्छा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में शाला पूर्व शिक्षा की समझ एवं इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप चार्ट का प्रयोग किया जाता है जानकारी एकत्रित करने में, परामर्श के लिए, जानकारी परियोजना भेजने के लिए, या फिर आंगनबाड़ी निरीक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्लिप चार्ट का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो परामर्श के लिए जो है फ्लिप चार्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला को 4 माह का गर्भ है, उसके हीमोग्लोबिन का स्तर जो है 7.5 है, उसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने हेतु
कौन सी सलाह आवश्यक नहीं है। प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना, विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन करना, या फिर नियमित आयरन की गोलियों का सेवन करना, या फिर टिटनेस के कम से कम 2 टीके लगवाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टिटनेस के 2 टीके लगवाने की आवश्यकता नहीं है, खास करके हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है, विटामिन सी से भरपूर आहार की आवश्यकता होती है, और साथ ही नियमित आयरन गोलियों की आवश्यकता होती है गर्भावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, सरला को अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने हेतु तो अपने आहार में प्राथमिकता से सेवन करना चाहिए। पालक का सेवन करना चाहिए, मेथी का, कलेजी का, या फिर दालों का। सबसे मतलब प्राथमिक रूप से ऐसा क्या सेवन करना चाहिए जिससे कि सरला के हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आ सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलेजी। कलेजी का जो सेवन करने से है हीमोग्लोबिन की मात्रा में जो है बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, भावनात्मक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था के दौरान जो है भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं, ठीक है, शारीरिक परिवर्तन भी होता है, और साथ ही मानसिक रूप से भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं में रक्ताल्पता या एनीमिया के प्रमुख कारण क्या हैं। मलेरिया का बार बार होना, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का अपर्याप्त रूप से सेवन करना, महावारी में अत्यधिक रक्त का स्त्राव, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, महिलाओं में रक्ताल्पता या एनीमिया, जिसमें कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है, का प्रमुख कारण है। तो इसके सभी कारण हैं, मलेरिया का बार बार होना, बार बार जो है महिलाएं बीमार पड़ रही हैं, इससे भी क्या होता है एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। आयरन की कमी से भी है जो कि एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है, और अत्यधिक रक्त स्त्राव के द्वारा भी जो है एनीमिया का जो है खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, रक्ताल्पता या एनीमिया का किशोरावस्था पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। कार्यक्षमता में कमी आती है, शिक्षा पर ध्यान ना केंद्रित होना, शैक्षणिक योग्यता में कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। रक्ताल्पता या एनीमिया का किशोरावस्था पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्यक्षमता में कमी आएगी, ठीक है, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, एनीमिया से व्यक्ति जो है पीड़ित रहेगा, तो क्या होगा, कार्यक्षमता में कमी आएगी, शिक्षा में मतलब पढ़ाई करने में जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा बच्चा, और शैक्षणिक योग्यता में उसके कमी भी आएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी या उप स्वास्थ्य केंद्र से मिलने वाली आयरन की गोली में क्या होता है। 100 ग्राम एलिमेंट आयरन होता है, या फिर 100 ग्राम एलिमेंट आयरन के साथ में 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, या फिर 100 ग्राम एलिमेंट आयरन के साथ में 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड के साथ साथ 500 माइक्रोग्राम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर 100 ग्राम एलिमेंट आयरन के साथ साथ 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और 500 माइक्रोग्राम विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी के द्वारा जो है आंगनबाड़ी में जो
कार्यकर्ताएं रहती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है गर्भवती महिलाओं को जो आयरन की गोली दी जाती है, तो उन आयरन की गोली में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित रहती हैं, तो 100 ग्राम जो है एलिमेंट आयरन का आयरन जो है होता है, और साथ ही उसके 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी या उप स्वास्थ्य केंद्र से गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी गोलियां मिलती हैं? आयरन की गोली मिलती है, या फिर सिर्फ आयरन और कैल्शियम की गोली मिलती है, या फिर सिर्फ आयरन कैल्शियम और फोलिक एसिड की गोली मिलती है, या फिर आयरन कैल्शियम फोलिक एसिड के साथ साथ एल्बेंडाजोल की टैबलेट भी मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, आयरन के साथ साथ कैल्शियम की गोली, फोलिक एसिड और एल्बेंडाजोल की गोलियाँ भी दी जाती हैं। एल्बेंडाजोल की जो गोलियाँ हैं ज़्यादातर क्या है किसे दी जाती हैं, छोटे बच्चों के लिए दी जाती हैं, ठीक है, या एक कृमि को ख़त्म करने वाली जो है दवाई है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कुपोषण दूर करने का अवसर मिलता है शिशु अवस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन जनित संक्रमण से बचाव के उपाय में से कौन सा जो है गलत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है किसी महिला को शीघ्र स्तनपान कराने के लिए कब से परामर्श दिया जाना शुरू करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, प्रसव के 1 सप्ताह पूर्व से जो है परामर्श दिया जाना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से नवजात शिशु की सबसे अधिक ज़रूरत क्या है? लाड दुलार, गर्माहट, प्रतिदिन गुनगुने पानी से स्नान करना, या फिर काटन के नए कपड़े। तो नवजात शिशु के लिए अधिकतर जरूरी क्या होता है? गर्माहट, ठीक है, नवजात शिशु के लिए गर्माहट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपने बच्चे को किस उम्र तक स्तनपान जो है कराना जारी रखना चाहिए? 24 माह तक, 12 माह तक, 18 माह तक, या फिर 6 माह तक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24 माह तक, अर्थात 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है सामान्यतः शिशु जन्म के प्रथम 2 से 3 दिनों तक माँ का दूध कम मात्रा में आता है, इस दौरान जो है पूछा गया है आपसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए बच्चे को, जो है सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, या फिर बच्चे को थोड़ी मात्रा में बोतल से भी बाहरी दूध देना चाहिए, इससे कोई हानि नहीं होती है। माँ का दूध और बाहर से पौष्टिक तरल देना चाहिए, या फिर गाय या विशेषकर बकरी का दूध बूंद बूंद करके देना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके तीनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल रॉन्ग हैं, ठीक है, जो नवजात शिशु होता है उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, ठीक है। यदि माँ का दूध कंपल्सरी मतलब हो नहीं रहा है तो डॉक्टर के परामर्श के द्वारा जो आजकल फार्मूला मिल्क आते हैं, फार्मूला मिल्क पाउडर
वो माँ के दूध के फार्मूले से मिलते जुलते रहते हैं, तो वो भी जो है दिया जा सकता है। ठीक है, ये केवल रेयर केस में है, अगर किसी की माँ का, जैसे किसी की माँ नहीं है या फिर किसी माँ को तुरंत जो है कभी कभी दूध होता नहीं है ना, तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से जो है फार्मूला मिल्क भी दिया जा सकता है। तो ये आपके मतलब क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये जनरली नॉलेज है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में अगर आता है तो क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, तो आपका आंसर जो है यही राइट होता है। लेकिन जो जनरली नॉलेज है, अगर किसी के नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो यही ना करेंगे कि मतलब फार्मूला मिल्क ही देंगे उस बच्चे को, और देना भी ज़रूरी ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच वर्ष की उम्र तक बच्चों को विटामिन ए की कुल कितनी खुराक दी जाती है? तीन खुराक दी जाती है, पाँच खुराक दी जाती है, नौ खुराक दी जाती है, या फिर दस खुराक दी जाती है? तो पाँच वर्ष की उम्र तक जो है बच्चों को विटामिन ए की टोटल जो है नौ खुराकें दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में यह दस्त की आवृत्ति को कम करता है और संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन या फिर आयरन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, जिंक। जिंक जो है बच्चे को जो है दस्त से काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है, और साथ ही साथ उसे जो है एक तरह से एंटीबॉडीज़ भी प्रदान करता है। ठीक है, संक्रामक रोगों से रक्षा करने में मदद भी करता है। तो जिंक जो है छोटे बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अक्सर आप अगर छोटे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, यदि उसको दस्त वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, उसे दस्त हो रहा है, तो उसे जो है जिंक की दवाई जो है दी जाती है। बच्चे को जिंक की दवाई मतलब कंपलसरी रूप से ही दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु कम वजन का कहलाता है जब उसका वजन होता है। जन्म के समय शिशु कम वजन का कहलाता है जब उसका वजन होता है 1.8 किलोग्राम से कम होता है, 2 किलोग्राम से कम होता है, या फिर 2.5 किलोग्राम से कम होता है, या फिर 3 किलोग्राम से कम होता है, तो कम वजन का शिशु कब कहलाएगा? यदि शिशु जो है, नवजात शिशु जो है आपका 2.5 किलोग्राम से कम का है, 2.5 किलोग्राम से कम का है, तो वह क्या कहलाएगा? वह कम वजन का कहलाएगा। अर्थात मतलब यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जो नवजात शिशु है उसको जो है 2.5 किलो का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, डायरिया से बचाव संभव है यदि पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करे, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, मानव मल के सुरक्षित निपटान से उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। यहाँ पर जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, आपके दृष्टिकोण से लिंग असमानता को दर्शाने वाली गतिविधियों जो है निम्नानुसार हो सकती हैं, घर में महिला द्वारा सबसे अंत में भोजन करना, माँ द्वारा बच्चे को स्तनपान कराना, महिला द्वारा
बच्चे को जन्म देना या फिर महिला द्वारा गर्भ धारण करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो जेंडर असमानता को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर जेंडर असमानता को आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो जो है प्रदर्शित कर रहा है। घर में महिला द्वारा सबसे अंत में भोजन करना, यह क्या दर्शाता है? आपका जेंडर असमानता एक तरह से पुरानी धारणा को दर्शाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो दिया गया है, माँ द्वारा बच्चे को स्तनपान कराना, महिला द्वारा बच्चे को जन्म देना और महिला द्वारा गर्भ को धारण करना, तो ये सभी चीज़ें ये तो नेचुरली हैं। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसी में जो है यह मतलब मानवों का जो है समाज का जो है भेदभाव पता चल रहा है। ठीक है, दो जेंडर के बीच में, तो यहाँ पर लैंगिक असमानता जो है इस शब्द से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार ICDS में गर्भवती व शिशुवती हेतु कैलोरी एवं प्रोटीन की सही मात्रा है 500 कैलोरी एवं 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, या फिर 600 कैलोरी 15 से 20 ग्राम प्रोटीन, या फिर 500 कैलोरी एवं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन, या फिर 600 कैलोरी एवं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गर्भवती माता एवं धात्री माता, जो कि शिशुवती माताएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनके लिए जो भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार ICDS में जो है आपके कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित की गई है। तो आपकी कैलोरी कितनी निर्धारित की गई है? 600 कैलोरी। ठीक है, और प्रोटीन 15 से 20 ग्राम प्रोटीन जो है निर्धारित की गई है। ठीक है, 600 कैलोरी ऊर्जा और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन को जो है निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ICDS का उद्देश्य है, ICDS का उद्देश्य पूछा गया है। जल्दी इसका थ्योरी सेशन भी मैं करवाऊंगी लाइव सेशन में, 2-4 दिन में तो करवा ही दूंगी इसका, 2-4 दिन के अंदर में ही यही सोच रही थी कि इसको ही अब करवाना है ICDS का, तो इसे भी जल्दी ही मैं वीडियो में अपलोड करूंगी और ऑनलाइन भी करवा दूंगी इसे। निम्नलिखित में से ICDS का जो उद्देश्य है वह है, ऑप्शन दिए गए हैं, किशोरियों को रोजगार गतिविधि से जोड़ना, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना, या फिर माँ की क्षमता का विकास करना जिससे वे अपने बच्चे की देखभाल स्वयं कर सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माँ की क्षमता का विकास करना जिससे वह जो है अपने बच्चे की देखभाल को स्वयं कर सके। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ICDS माता और बच्चे से जो है ज़्यादा संबंधित है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।